समदड़ी कस्बे के राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी में प्रधानाचार्य का मामला 3 दिन से थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि बाड़मेर जिला कलेक्टर परिसर में जनसुनवाई के दौरान जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई के समक्ष राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी की आधा दर्जन शिक्षिकाओं ने महिला उत्पीड़न एवं अमर्यादित भाषा, अश्लील हरकतें, प्रताड़ित करना सहित कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत पेश की थी। उन्हें हटाने की भी मांग की। जिला प्रभारी मंत्री ने शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी मिलने पर विद्यार्थियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए विद्यालय समय पर शिक्षकों के नहीं आने एवं प्रधानाचार्य के आने के बाद विद्यालय की व्यवस्था में सुधार की बात करते हुए उनके पक्ष में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो 3 दिन से धरने की स्थिति बनी हुई है। इसी दौरान विद्यालय में छात्र छात्राएं धरने पर बैठे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर APO के आदेश जारी कर दिए गए। उसके बाद आपातकालीन बैठक ग्रामवासियों द्वारा ली गई। सर्व समाज द्वारा आज सुबह से विद्यालय के आगे समदड़ी स्टेशन के सर्व समाज के लोग, छात्र छात्राएं एवं जनप्रतिनिधियों सहित व्यापारी वर्ग लोग शामिल होकर विशाल महापड़ाव के साथ धरने पर बैठे हैं। प्रधानाचार्य के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए एवं APO के आदेश को निरस्त करना और महिला शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुबह 10 बजे से धरने पर बैठे हैं। वह जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। छात्र छात्राओं के साथ सर्व समाज के लोग, व्यापारी एवं जनप्रतिनिधि धरने पर बैठे हुए। वहीं महापड़ाव को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर समदड़ी थानाधिकारी सही राम विश्नोई, मय जाप्ता, कल्याणपुर, बालूतरा, सिवाना से अतिरिक्त जाप्ता सहित RSC के जवान धरना स्थल पर तैनात थे। कोई धरना स्थल पर प्रधानाचार्य के पक्ष में छात्र छात्राओं द्वारा नारेबाजी की जा रही एवं अधिकारियों द्वारा न्याय को लेकर अपेक्षा की जा रही है। वंदे भारत न्यूज के लिए समदड़ी से राजेश भाटी की रिपोर्ट। इस न्यूज के प्रायोजक